कोई एमएलए को सबक नहीं सिखाए तो मैं आपका गुलाम होता हूँ। मेरा चैलेंज है भाई, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आरटीए में डाल के लिए सो है, सिर्फ चार गुत्तेदार को काम दिए, हाँ वो भी मैं आरटीए में भी दिखाना चाहता हूँ, सीरियल वाइज काम दिए, उसका 10% 5 करोड़ आपका घर का घर में सूटकेस में है। हम गुलबर्गा में सभी वार्ड और विलेजेस साउथ कॉन्स्टेंसी में जाके लोगों को भटका रहे बोल के बोल रहे, यही वोटर आपको सबक सिखाएंगे क्या है बोल के। नेक्स्ट आने वाले 23 इलेक्शन में सूरज तिवारी एमएलए का राइट हैंड है, लोग आपको सबक सिखाए, फिर भी आप सबक सिखाने के बाद भी आपको अभी सुधरे नहीं। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारी हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। मैं शरण आईटी, आम आदमी पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट। कल के दिन बीजेपी का एक्स कॉरपोरेटर बोले तो उन्हों पहले कांग्रेस में रह के चुन के आए से कॉरपोरेटर श्री सूरज तिवारी, उन्हों एक बार कॉरपोरेशन में कांग्रेस से जीत के आए, एक बार उनके फैमिली मेंबर वाइफ जेडीएस से चुन के आए से है। उन्हों कल के दिन एक स्टेटमेंट दिए, सोशल मीडिया में रिकॉर्डिंग करके वायरल किए, क्या बोले तो आम आदमी पार्टी वाले उनको और उनके एमएलए साउथ श्री दत्तात्रेय पाटिल रेवर अप्पू गौड़ा को बदनाम कर रहे कहते, आम आदमी पार्टी वाले बदनाम कर रहे कहते उनको। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, श्री सूरज तिवारी और एमएलए साउथ अप्पू गौड़ा दोनों को कि हम क्या बदनाम कर रहे, आप एक डिस्कशन रखो, लाइव डिबेट रखो, सोशल मीडिया चैनल गुलबर्गा सबको बुलाओ और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ प्रिंट मीडिया को बुलाओ, हम रेडी हैं, हाँ कि आपके सामने हम आपको बदनाम किए बोल के आप बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन को आंसर करने रेडी है, और आप आपका स्टेटमेंट के बोल रहे कि हम गुलबर्गा में सभी वार्ड और विलेजेस साउथ कॉन्स्टेंसी में जाके लोगों को भटका रहे बोल के बोल रहे। भाई हम तो आम आदमी पार्टी वाले सभी वार्ड, एग्जाम्पल हाईकोर्ट के पास और वार्ड नंबर 52 क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कॉलोनी है, निसर्गा कॉलोनी है और बबलाद है, स्टेशन बबलाद और हीरापुर और भीमल्ली, ये सभी एरियाज़ को हम विजिट किए, लोगों उधर से फ़ोन करके बुलाने के बाद गए सो हम, क्या बोले तो इश्यूज़ है, ऐसा हमारा तकलीफ़ है, आप पार्टी वाले आम आदमी पार्टी वाले सब जगह नॉर्थ गुलबर्गा नॉर्थ रूरल सब जगह जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, आओ हमारा भी प्रॉब्लम देखो, आप हम एमएलए को बोले फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, आप ट्राई करो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो बोल के। उसके मुताबिक हम जाके सभी वार्ड और विलेजेस में जाके हम एक सर्वे किए, सर्वे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो वार्ड नंबर 52 में स्ट्रीट लाइट नहीं है, पूरा खंबा बिठा है, मेन रोड है ना अफजलपुर रोड वार्ड नंबर 52 निसर्गा कॉलोनी से शरण सिर्स की मड्डी पे कॉर्नर पे आता बाउंड्री पे, उधर से वो बबलाद जाते ना अंदर हीरापुर रोड आता ना उधर गेट तक स्ट्रीट लाइट ही नहीं है टोटली, और बड़े बड़े खड्डे गिरे उधर, पानी ठहरे, स्कूल बस नहीं आते कहते, उनका रोने का लेडीज लोगों का तकलीफ देख के हमारा ही क्या बोलते बहुत ये फील हुआ, गिल्टी फील हुआ, ऐसा भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कर रहे बोल के। उधर का वार्ड का कॉरपोरेटर श्री शोभा देसाई बोल के है, उन्होंने भी कुछ काम के नहीं है बोल के बोले, और उन्होंने तो एमएलए का राइट हैंड है देसाई बोल के लड़का, उनका मदर उधर कंटेस्ट करके जीत के आए, सिर्फ एमएलए का राइट लेफ्ट वही काम करेगा बोले तो राइट लेफ्ट को टिकट देते और राइट लेफ्ट ही ऑब्जेक्शन करते सबके ऊपर। अभी मैं बात कर रही हूँ सूरज तिवारी एमएलए का राइट हैंड है, हाँ आपको भी पता होगा, सभी व्यूवर्स को गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टेंसी में सबको पता है कि वो लोग क्या करते, कैसा काम कर रहे, उनका काम करने का स्टाइल क्या है बोल के। मैं इतना बोलना चाहता हूँ श्री सूरज तिवारी भाई, आपको मैं कभी भी भाई बोल के बात करता हूँ, भाई आप देखिए, आप लास्ट टाइम कॉरपोरेशन इलेक्शन गए साल में कंटेस्ट किए बीजेपी से, बहुत जिद्दाजिद था उनके सामने, शंभू बड़बट्टी बोल के मेरा फ्रेंड ही है उन्होंने, हाँ बहुत साल से फ्रेंड है, आप भी क्या बोलते जानते हैं कि उन्होंने बीजेपी टिकट के लिए क्लेम किया तो उनको नहीं मिलाने दिए, बोले तो नहीं दिलाए आप
आप एमएलए का राइट हैंड दे है बोल के एमएलए आपको दिए, हाँ देने के बावजूद भी क्या हुआ आपका, हाँ हार गए आप। एक लड़का मेरा उतना एज 32-33, हाँ एजुकेटेड, हाँ डबल डिग्री, हाँ एक लड़का आपको अच्छा लीड से हराया, आपका बीजेपी का क्या है उधर कंडीशन बोल के बता दिया। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए एक यूथ, हाँ लोग आपको सबक सिखाए, फिर भी आप सबक सिखाने के बाद भी आपको अभी सुधरे नहीं, हाँ अभी आप क्या बोल रहे, आम आदमी ले क्या कर रहे, और आप सीधा ब्लेम कर रहे हो वीडियो में कि वो चार वोटर क्या बोलते कहते। भाई एक वार्ड में आज चार है, 10 है, 20 है, वो वीडियो में देखिए 50 वोटर थे उस दिन इशू लिए थे वार्ड नंबर 52 में, सभी एरिया में 50-100 लोग बोले तो कितना होते। आप वोटर को इतना क्रिटिसाइज देख के वो वोटर क्या करेगा, हाँ क्या बोलेगा बोल के लाइव वीडियो करके बोलते बोले तो यही वोटर आपको सबक सिखाएंगे क्या है बोल के नेक्स्ट आने वाले 23 इलेक्शन में। आपके एमएलए बोल के आप बहुत खुश से बोल रहे मैं एमएलए वैसा है, वैसा काम किया, ऐसा किया, हम रिलीज करके बताते बोल के, वही एमएलए को सबक नहीं सिखाए तो मैं आपका गुलाम होता हूँ, मेरा चैलेंज है मैं आपका गुलाम होता हूँ, आपको हराए नहीं, आपको सबक नहीं सिखाए, वही वोटर बोले तो मैं आपका गुलाम होने रेडी है, आप रेडी है क्या बोल के मुझे बोलो, डिबेट को बुलाओ मैं आता हूँ। और उसके अलावा भी आप ये बोल रहे कि आम आदमी पार्टी को क्या पता है हम वो काम किए ये काम किए, भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट है आरटीए में डाल के लिए सो है, कहाँ बोले तो कॉरपोरेशन केकेआरडीबी सब जगह आपका काम क्या क्या कर रहे कैसा किए बोल के, पीडब्ल्यू में भी काम करवाए सो है, कॉरपोरेशन में 2 साल से महात्मा गांधी जी नगारा डेवलपमेंट योजना से 150 करोड़ आए सो है, 150 करोड़ में 75 साउथ 75 नॉर्थ बोल के आप लोग डिवाइड कर लिए, वो 75 में भी 50 करोड़ का काम सिर्फ रोड नाली का काम किए सो है, वो भी कैसा बोले तो आपका फॉलोअर को आपका चाहने वाले लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे के और उसमें 10% स्ट्रेट फॉरवर्ड किकबैक लिए सो है, सूटकेस लिए सो है, मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ, उतना मेरा पास क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंट न्यूज़ है। और सिर्फ 4 गुत्तेदार को काम दिए, हाँ वो भी मैं आरटी में भी दिखाना चाहता हूँ, सीरियल वाइज काम दिए, ऐसा होता क्या सीरियल एक ही दिन 4 टेंडर होता कहते हैं, वो चारों टेंडर एक ही आदमी को देते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का काम, ऐसे 4 गुत्तेदार को पूरा काम दिया आप 50 करोड़ का, उसका 10% 5 करोड़ आपका घर का घर में सूटकेस में है और आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड उनके नाम पे बेनामी है। ये मैं बोलना चाह रहे आप बोले तो इतना दिन मैं सिर्फ डेवलपमेंट काम का बारे में बात करता था और आज मेरा मुंह से खोलने लगा रहे कि आप आपका क्या है ओरिजिनलिटी बोल के। वो छोड़ के भी आप केकेआरडी में 2021 में 104 करोड़ रुपए का काम किए बोले तो 104 करोड़ साउथ असेंबली को डाल लिए सो है, वो कहाँ है 104 करोड़ का काम, आप रिलीज करो ना, प्रेस मीट करो, रिलीज करो, लोगों को प्रिंट करके घर घर बांटते बोल के कल सूरज तिवारी स्टेटमेंट देते, भाई आपका हाथ खुले हैं, हाँ आप जाके प्रिंट करा के सभी डोर टू डोर दो, हाँ ऐसे काम किए बोल के हम ना तो नहीं बोल रहे ना, सिर्फ स्टेटमेंट देने से हाँ अपोजिट वाले का मुंह बंद नहीं कर सकते, हम आम आदमी पार्टी वाले डेवलपमेंट के लिए आए सो है, लोगों का काम करने के लिए भलाई के लिए आए सो है, हमारा जान गए तो भी परवाह नहीं, हम लोगों का डेवलपमेंट काम करेंगे, उनका क्या भी तकलीफ है हम सुनेंगे, हाँ आपका क्या बोलते जबरदस्ती और डराव से हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और अभी एक मैं बताना चाहता हूँ, आपके एमएलए श्री दत्तात्रेय पाटिल रेवर अप्पू गौड़ा ने एक यूथ है, उनका एज 38-39 है, उनका फैमिली 15 साल से साउथ कॉन्स्टेंसी को रूल कर रहे हैं, क्या किए आप 15 साल से। तिवारी भाई आपको भी 15 साल से कॉरपोरेशन रूल कर रहे थे, वो वार्ड खोबा प्लॉट रूल कर रहे थे, आपको लोग आपका डेवलपमेंट काम अच्छा है तो जिताते थे, आपको हराए उनके आपके सामने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते, वैसे ही आज गुलबर्गा साउथ में सभी यूथ्स रेडी हुए हैं कि आपका एमएलए को भी हराना है ये बार साउथ
कॉन्सेंसी में बोल के, क्यों बोले तो आप किसको जॉब दिए साउथ में, कितने यंग यूथ से किसको जॉब दिए, हाँ आपके एमएलए का बर्थडे बोल के जॉब फेयर किए, एक बड़ा प्रोग्राम किए, 10,000 कैंडिडेट का एनरोलमेंट किए, उस वो डाटा भी मेरा पास है, कितने लोगों को जॉब मिला, 100, 200, 500 कितने को मिले, वो भी आप प्रेस मीट करके रिलीज करो, वो लोग उधर हाँ आप नंबर में बताए उस दिन इतना हज़ारों लोगों को जॉब मिला, वो रियली वेदर दे ज्वाइन द जॉब, वो रियली वो लोग जाके ज्वाइन हुए क्या चुप दिखाने के लिए काम किए, लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट काम, उनको जॉब चाहते हैं, हाँ पेट भूखे रहे तो हाँ किनको पूछना, आपका घर तक आके पूछना, पेट को दो टाइम का रोटी चाहिए, उसके लिए काम चाहिए, काम देने का काम करो, छोड़ के सूटकेस कमाने का, पैसे कमाने का, किकबैक लेके आपका राइट लेफ्ट को वाले को बढ़ा के और उनको डेवलपमेंट राइट लेफ्ट का कर रहे लोगों का, वो छोड़ के किसका भी नहीं कर रहा, मेरा ओपन चैलेंज है, आप कभी भी बुलाओ मैं आता हूँ और डिबेट के लिए मैं ओपनली रेडी हूँ, ये मेरा चैलेंज है शरण आईटी। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन, HKGN फर्नीचर्स कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती, एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवेसी हिल, हैदराबाद, कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।